रामीम रहाबिलासम सईदली वाली वसाबी अजमाइन हमने अपने गुजशत दरूस में इस बात की तरफ निशानदेही की थी एक तो ये है कि हमें किस तरह इन फितनों से बचने का क्या मामला होना चाहिए क्या तरीक़ा होना चाहिए कैसे बच सकते हैं दूसरा हमने ये बताया था कि जो भी हम अहादीस पढ़ते हैं जो भी इसके बारे में सुनते हैं तो उसकी भी कुछ कवायद ज़वाबित हैं ताकि उसके मुताबिक ही उसको समझें गलत रास्ते पर ना जाए तो इनको बताने के बाद अब हम शुरू करते हैं सही बुखारी में से किताबुल फितन का बाब और उसमें देखते हैं कि इमाम बुखारी इस लिहाज से कौन कौन सी अहद लाए हैं और किस तरह उसको उन्होंने अपनी इस किताब में जगह दी है तो इस मामले जो उनका बाप है बाप तो एक मुख्तसर होता है उससे छोटा होता है असल वो कहते हैं किताब किताबुल फितन, यानी ये फितन का चैप्टर है कि जिसको उन्होंने तकसीम किया है अववाब में तो किताब एक बड़ा बाब है या बड़ा एक चैप्टर है और उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको वो बाब कहते हैं तो इसी लिए उन्होंने जो किताब का नाम दिया है किताबुलफ़न और उसमें जो पहला बाब लाएँ हैं اس میں فرماتے ہیں باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن تو فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالی کی اس ایت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ اس باب میں ہے اور فرمایا کہ واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه सुरैानफ़ाल की आयत है आयत नंबर पच्चीस जिसमें यह फरमाया गया कि डरोज़ फितने से जो जालिमों पर ख़ास नहीं रहता बल्कि जालिम और गैर सब सबको अपनी लपेट में ले, ले लेता है उसका बयान और फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान कि जो अपनी उम्मतों को फितनों से डराते थे उसका ज़िक्र किया जाएगा तो ये है पहले बता रहे हैं इस आयत की रोशनी में तो आयत के में अंदर जो फितने का जिक्र आया है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फितने से मुराद ही वो आजमाइश है वो इब्तिला है वो इम्तिहान है वो मुराद है तो फरमाएँ कि उस फितने को जहाँ पे अजाब के नाम से जिक्र किया जा रहा है कि उससे बचो कि वो जब आएगा तो सिर्फ जालिमों को नहीं पकड़ेगा बल्कि हर शख्स को पकड़ेगा पूरी लपेट में आ जाएगा तो ये है उसका असल मफहमूम और असल उसका ज़िक्र है कि अगर तुमने इन चीज़ों को ना अभी देखा और इसको ख़्याल ना किया तो इसके नतज बड़े भयानक होंगे और फिर ये फितना सब को अपनी लपेट में ले लेगा ले सब के सब मारे जाएंगे तो लिहाजा इसी लिए फिर हमसे कहा गया कि माशरे में अमर अम्र बिलरूफ नहीं अनिल मुनकर होना चाहिए कि जब आप नेकी का हुक्म देंगे बुराई से लोगों को रोकेंगे तो लोगों में एक नेकी के बारे में एक आगही पैदा होगी और बुराई से बचने के लोगों में तरीक़े पैदा होंगे किस तरह बच जाएं लेकिन जब आप बताएंगे ही नहीं अब उसकी एक मिसाल देख लीजिए कि ट्रैफ़िक के असूल हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं या आपको पाबंद करते हैं कि जब आप सड़क पर आते हैं गाड़ी चलाते हैं ड्राइव करते हैं तो आपने किन किन चीज़ों को मलोज रखना है एक ख़ास रास्ता है जहाँ पे जा सकते हैं आ नहीं सकते दूसरा रास्ता वो है जहाँ से आ सकते हैं जा नहीं सकते तो ये वो कवायद हैं अगर ये कवायद ज़वाबित ख़त्म हो जाए जिसका जो मर्ज़ी आए इधर से चला जाए वो इधर से आ जाए इधर से चला जाए तो फिर क्या होगा वही चीज़ें लोगों के दिलों में रासक हो जाएंगी वो लोग समझेंगे कि यही कानून है बस कि से जाओ चले जाओ इधर से आना इधर से आ जाओ इधर से आना इधर से आ जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो लिहाजा ये है कि वो फिर ना मारूफ मारूफ रहता है ना मुनकर मुनकर रहता है कि जब उसके बारे में बताया ही नहीं जाता लेकिन अगर हम बताएंगे लोगों को कि भाई ये कायदा है ये जबता है ये कानून है ये तरीक़ा है उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर आप गलत तरीक़े से चलेंगे गलत रास्ते पर चलेंगे तो हादसा हो सकता है फिर आपको नुकसान होगा फिर आपको मत कहिएगा कि मुझे पहले नहीं बताया था तो यही चीज़ जो है वो दीन का मामला है कि हमें फितनों से पहले आगाही का होनी चाहिए मालूम होना चाहिए कि अगर हम इससे बच जाएं तो किस तरह बचें तो ये बचने का मामला है इसी को ही जिक्र किया गया है कि जैसे कि हमें एक हदीस भी जिक्र की गई है इस मामले में कि जिसमें इमाम महमद और बज़ार ने मुतर्रफ इबन अब्दुल्लाह अबिन शखीर से ये रिवायत नक़ल की है कि मैंने जंग जमल के दिन ज़ुबैर रजी अल्लाह से कहा कि तुम ही लोगों ने तो उस्मान रजी अल्लाह को न बचाया और वो मारे गए अब उनके खून का दावा करने आए हो तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ने कहा हमने नबी करीमल वसल्लम के दौर में यही आयत पढ़ी थी कि वक़्कूफ़ नसी बन नद मोमिन कुम ख़ासा और ये गुमान न था कि हम ही इस लोग इस फतने में मुबला हो जाएंगे हम ही फंस जाएंगे हम ही उसके मस्ताक बन जाएंगे और यहाँ तक के जो होना था वो हुआ और इस बला में हम खुद गिरफ्तार हो गए उस वक्त हमने नहीं देखा नहीं रोका कि ये बागी जो है इनको वहाँ से निकाला जाता ख़त्म किया जाता तो हम तो खामोश रहे बैठे रहे या हमने वो कोशिश ही नहीं की तो आज उसका नतीजा ये निकला कि अब वो जंग जमल तक बात पहुँच गई और फिर कितने ही मुसलमान आपस में एक दूसरे की गर्दने काटते रहे तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही अहम बात है इसी की तरफ निशानदेही की है और फिर नबी करीम वसल्लम ने भी उसको बताया है तो हम कोशिश करेंगे कि वो अदीस पढ़ें जो इसमें बयान किए हैं तो आपके पास भी अगर सही बुखारी का वो नुस्खा मौजूद हो जिसमें तर्जुमा मौजूद है तो वो सामने रखें ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए तो पहली हदीस जो कि हज असम से रिवायत है वो रिवायत करती हैं कि नबी करीम सलील ने फ़रमाया है كي انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي في فيقول لا تدري مشوا على القهقره قال ابن ابي مليكه اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على او نفتن كي اساديسمي جو أسماء كي روايتها वो ये कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना है आपने ये फरमाया है कि कियामत के दिन मैं हौज़ कौसर पर हूँगा और अपने पास आने वालों का इंतज़ार करता रहूँगा फिर हौज़ कौसर पर कुछ लोगों को मुझ तक पहुँचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो मैं कहूँगा ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं तो जवाब मिलेगा कि आपको मालूम नहीं ये लोग उल्टे पाँव फिर गए थे इब्ने अबी मरेका कहते हैं कि सदी को रिवायत करते हुए ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं कि हम हम उल्टे पाँव फिर जाएं या फितने में पड़ जाएं। तो यहाँ पर एक बात जो हमें नज़र आती है या पहली बात वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज कौसर पर होंगे और फिर अपने दस्ते मुबारक से लोगों को पानी पिलाएंगे और वहाँ पर जो भी आएगा वो मोमिन होगा साहिब ईमान होगा तो नबी करीम अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से वो हौज़े का असर से पानी पिएगा अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए तो फरमाते हैं कि फिर कुछ लोग जो हैं वो रोक दिए जाएंगे और आप कहेंगे कि ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं तो आप कैसे पहचानेंगे तो ये भी हम जैसे कि हदीत से ही मालूम होता है कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग जो गुर्रम मुहजली नमिन आसारज़ू के वजू की वजह से उनके जो हाथ पाँव और चेहरा चमक रहा तो यही है गुर चेहरा जो है वो चमक रहा होगा रोशन होगा इसी तरह ये हाथ और जो पाँव हैं वज़ू जिनको की जाती हैं जिनको धोया जाता है वज़ू में ये भी क़यामत के दिन चमक रहे होंगे तो ज़ाहरी वही लोग होंगे जो कि अल्लाह के आहकाम पर चलने वाले हैं नमाज़ें पढ़ने वाले हैं और अल्लाह को याद करने वाले हैं तो उन्हीं का ही मामला होगा तो नबी करीम से उनको देख के पहचान लेंगे लेकिन मामला ये होगा कि फ़रिश्ते उनमें से कुछ लोगों को रोक लेंगे उनको गिरफ़्तार कर लेंगे रोक लेंगे तो नबी अलैहि वसल्लम उस पर कहेंगे कि ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं तो वो फरिश्ते ये कहेंगे कि लदरी मशा क़ाहरा आप नहीं जानते ये अपने उल्टे पाँव पलट गए थे पीछे चले गए थे तो इससे मुराद क्या है इससे मुराद ये है कि उन्होंने आपकी इताज छोड़ दी थी आपकी इताज छोड़ के सुन्नत छोड़ के बिदात की तरफ चले गए तो ये देखिए यहाँ से मालूम हुआ कि ये बिदात कितना बड़ा फितना है कि उस बिदात की वजह से जो कि नबी करीम से का तरीक़ा नहीं होता हर वो बात जो कि नबी करीम अलैहि वसल्लम से नहीं है आपके साहब कराम से नहीं है वही बिदात है ख़ास तौर पर वो बातें जो दीन के हवाले से हों दीन का मामला हो कि वो सवाब की नीयत से और दीन के मामले में की जाए दुनिया के मामले जो हैं वो तो बिदत का मामला नहीं है लेकिन दीन के मामले में अगर किसी चीज़ में कोई इजाफा किया जाता है तो वो चीज़ जो है फिर वो बिदत के ज़ुमे में आ जाती है और उसको फिर कबूल नहीं किया जा सकता तो यहां पर यही फरमाया जा रहा है कि इस तरह जो बिदत के मुरतकब होंगे उनके अमाल अकारत हो जाएंगे अमाल ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे इसलिए कि जब उन्होंने सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते को मुंतखब कर लिया जैसे हमने पहले वो हदीस पढ़ी थी कि वो लोग जो मस्जिद नबी में बैठ के वो इलाहा इल्लल्लाह ला इला अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह इसकी वो विर्द कर रहे थे कंकरों पर पत्थरों पर तो हसब्दुल्लिन मसूद ने क्या कहा था यही तो कहा था कि पहले अपने गुनाहों को गिनो और मैं ज़मानत देता हूँ कि तुम्हारी नेकियाँ जो हैं बर्बाद नहीं होंगी अल्लाह ताला उसका जवाब तुम्हें देगा और फिर यही बताया था कि जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अभी तो रसूल रसूस्सलम के घर के बर्तन भी सलामत हैं आपके कपड़े भी अभी तक गले नहीं हैं ये साहब कराम भी मौजूद हैं और तुम सुन्नत छोड़ के अपनी तरफ से बातें मना रहे हो तो ये है कि हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ सुन्नत है या नहीं है हम ये कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है इसमें क्या हो जाएगा कोई मसला नहीं हम तो कुरानी तो पढ़ रहे हैं नहीं जो चीज़ है वो इस तरीके के मुताबिक होनी चाहिए जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है साहब कराम ने उस पर अमल किया है तो वो है असल सुन्नत उस पर हमें अमल करना है अपनी तरफ़ से नहीं बनाना है आप खुद देख लीजिए कि आप ये चाहें कि हम हर भी चार पढ़ रहे हैं असर की भी चार रकत पढ़ रहे हैं ईशा की भी चार रकत पढ़ रहे हैं मगरब तीन पढ़ रहे हैं इसको भी चार कर दें तो क्या नमाज ही तो है ना एक ररकत का इजाफा हो जाएगा और कुरान पढ़ लेंगे तो यही है कि इसमें जब हम इजाफा नहीं कर सकते ना हमें इजाज़त है और ना कोई कर सकता है अगर करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी चाहे वो पूरा कुरान पढ़ता रहे उसमें इसलिए कि नबूल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है उसके मुताबिक ही हम करेंगे तभी हम इसकाबिल होंगे इस कि आपके दस्ते मुबारक से वो हौज़े कोसर का पानी पी सके वरना बिदत जो है वो हमें फिर वहाँ से दूर कर देगी إسدادوسي حديث میں أعطيه أسميه ما فرمايه أسميه عبد الله بن مسعود رواية نبيه كريم صلى الله عليه وسلم فرمايه أنا فرعتكم على الحوض لا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأنابلهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك إسميه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمايه نبيه كريم صلى الله عليه وسلم सम ने फरमाया कि मैं हौज़ कोसर पर तुम लोगों का पेश खेमा हूँगा यानी पहले मैं पहुँचूँगा और तुम में से कुछ लोग मेरी तरफ आएंगे जब मैं उन्हें हौज़ का पानी देने के लिए झुकूंगा तो उन्हें मेरे सामने से खींच लिया जाएगा मैं कहूँगा मेरे रब ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि आपको मालूम नहीं कि उन्हें आपके बाद दीन में क्या नई बातें निकाल ली थी तो यहाँ देखिए कि वो जो फरमाया गया कि ये है वही बात जैसे हमने पहली हदीस में भी पढ़ी यहाँ पर भी है वहाँ ये कहा गया कि अपने उल्टे पाँव पलट गए थे और यहाँ ये फरमाए कि उन्होंने क्या आपके बाद जो है नई नई बातें निकाल ली थी तो इससे बाद लोगों ने कहा कि ये साहब कराम के बारे में है तो ये तो नहीं है ये तो कहा गया कि आपके बाद तो आपके बाद का ज़माना जो है वो क़्यामत तक लिए जमाना के लिए ज़माना है उसमें सिर्फ सहाब कर कैसे आ सकते हैं कि सिर्फ वही बिदात अख्तियार करने वाले थे तो ये तो लाजमी नहीं है ये तो बाद में सिलसिला शुरू हुआ वो तो सुन्नत पे पूरी तरह पाबंद रहने वाले लोग थे उनसे बिदात का इरतक तो नहीं हो सकता ये तो बाद में लोग आए और उन्हें तरह तरह की बातें निकालनी शुरू कर दी तो वो है बिदात का मामला के जो उन्होंने बदात की थी उसी की बिना पर अल्लाह तक को वहाँ से पीछे कर दिया रोक दिया और वो आगे नहीं आ सके تیسری حدیث جو اسی باب میں آئی ہے کہ جس میں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ, عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا فراتكم من الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يضم بعده ابدا ليريدن علي قوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه قال انهم ما مني فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي कि यहाँ पर इस हदीस में जो फरमाया गया कि सहलिब्न साद रजी अल्ला जो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमाया करते थे कि मैं हौज़ कौसर पर तुमसे पहले आ जाऊँगा जो वहाँ पहुँचेगा तो उसका पानी पिएगा और जो उसका पानी पी लेगा उसके बाद कभी उसको प्यास नहीं लगेगी प्यास ही नहीं लगेगी ये उसकी तासीर है और मेरे पास ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहचानता हूँगा और मुझे पहचानते होंगे फिर मेरे उनके दरम्यान पर्दा डाल दिया जाएगा अबू हाजिम ने बयान किया कि नमान इब्न अबी अयाश ने भी सुना कि मैं उनसे यह हदीस बयान कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा क्या तुमने सहल रजी अल्लाह तुझ इसी तरह यह हदीस सुनी थी तो मैंने कहा कि हाँ उन्हें कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मैंने अबू सैद खुदी रजी अल्लाह तदीत इसी तरह सुनी थी अबू सईद उसमें इतना इजाफ़ा करते थे कि हज़रत सल्ला ने फरमाया कि ये लोग मुझमें से हैं रसुलकम सरोसम से उस वक्त कहा जाएगा कि आपको मालूम नहीं कि आपके बाद उन्हें क्या तब्दीलियाँ कर दी थी मैं कहूँगा कि दूर हो दूर हो जाओ उनके लिए जिन्होंने मेरे बाद दिन में तब्दीलियाँ कर दी थी तो यहाँ पर देखिए इस हदीस में जो उसी हवाले से ही बात हो रही है जैसे कि पिछली दोनों अदीस में आई कि इसमें ख़ास तौर पर जो ये फरमाया गया कि जो भी इसमें पी लेगा वो कभी प्यास नहीं लगेगा ये उसकी तासीर है और एक तो ये है कि नबी करीम दस्ते मुबारक से दूसरा ये है कि वो हौज़ कौसर से तीसरे उसके अमाल हैं जिन्होंने उसको वहाँ पहुँचा दिया उसी वजह से उसको ये फ़जीलत हासिल हो गई कि अब वो उसको वो प्यास नहीं लगेगी और उस वक्त सब वो हशर के मकाम पर इसी पानी के महताज होंगे प्यासें होंगे और उसकी तलाश में होंगे तो वहाँ पर फिर अल्लाह ताली ने इंतज़ाम फरमा दिया कि नबी करीम वसम को ये हौज़ फरमा दिया और दूसरी बात ये फरमाई गई कि ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ मुझे जानते हैं तो ज़ाहिर है के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आ, उम्मत के लोगों को जानते हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वही जो हरमुहजली अमिन आसारज़ू जो फरमाया है कि उनके चेहरे और उनके वज़ू के जो आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे दमक रहे होंगे उससे समझ जाएंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं सिर्फ सहाब कराम को तो नहीं पहचानेंगे इनको भी पहचान लेंगे हम सबको पहचान लेंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं जो हमेशा बावज़ू रहते हैं वजू करते हैं नमाज़ें पढ़ते हैं तो यही उसी की निशानी होगी कि उनके वो हाथ पाँव और चेहरे चमक रहे होंगे और वो फिर नबी करीम को देख के जो आपकी जो चेहरा है, मुबारक है जो उसके मुताबिक वो पढ़ते हैं अदादी में सुनते हैं तो वो भी पहचान लेंगे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये इस लिहाज से ये ये नहीं कहा जाएगा कि ये सिर्फ़ साहब कराम है बल्कि हर उम्मति आपको पहचान लेगा फिर मेरे उनके दरमियान जो है वो हायल दिया जाएगा पर्दा डाल दिया जाएगा उनको दूर कर दिया जाएगा जैसे हमने पिछली अदी में पढ़ा और आ, अगले जुमले में जो कि अबू सद खुदी रजी अल्लाह तुम की रिवायत में आता है कि फिर मैं कहूँगा सोह कन सोह कन लिमन बददलाबादी दूर हो जाओ दूर हो जाओ जिन्हें मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला तो ज़ाहिर है कि फिर जब नबी करीम सुन के जाने के बाद ही फिर ये मसाइल हुए कि लोगों ने फिर इस दीन में तरह तरह की बातें शुरू कर दी तरह तरह के मसाइल उसमें निकालने शुरू कर दिए और फिर दीन के नाम पर ही ये तमाम बिदात जो हैं ये फरोग पाती चली गई जिसको आप देख लीजिए कि कहीं पे कहीं अज़ान के हवाले से बातें हो रही हैं कहीं नमाज के हवाले से हो रही हैं कहीं पर वो मैत के बाद हो रही हैं कहीं तीसरा है कहीं दसवाँ है कोई तीजा है कोई चालीसवाँ है कोई चाली� फिर उसके बाद तरह तरह की चीज़ें हैं उस पर खाने पीने हैं और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है ये तमाम चीज़ें क्या हैं सब दीन के नाम पर हैं सवाब की नीयत से की जाती हैं या कहा जाता है कि सवाब होगा तो जबकि ये सब बिदात हैं ये नबी करीम के दौर में तो कोई चीज़ नहीं थी किसी तरह की ऐसी बात नहीं थी तो फिर इस बात को निकाल लेना तो वो दीन में इजाफ़ा करने का मामला है इसी को ही बिदत कहा जाता है तो मालूम ये हुआ कि ये भी एक फितना है कि आदमी जब विदात में पड़ जाता है तो असल दीन असल कायदा असल शरीयत वो फिर दूर होती चली जाती है, वो फिर हटती चली जाती है, और फिर एक तो इंसान की ये दुनिया बर्बाद होती है और उसके साथ साथ ये भी बर्बादी आती है कि वो फिर क़यामत के दिन नबी करीम अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर के पानी से महरूम हो जाता है तो ये इसमें बता दिया इसमें पहले बाब में इस बात की निशानदेही कर दी इमाम बुखारी ने कि इस तरह अगर आपने दीन पर चलना है तो बिदात से हमेशा बच कर रहना है जो चीज़ भी नबी करीम के से साबित नहीं है वो हम नहीं कर सकते चाहे कुछ भी हो हमने वही करना है जो नबी करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है दूसरे बाब में फ़रमाते हैं कि बाब कौल नबी सल्ल वस तर नबादी उमूरन तुन وقال عبد الله الله بن زيد قال النبي صلى वकाल अब्दुल्लाबन जैद कौले नबी सरुह कि नबी करीम साहब का यह फरमाना कि मेरे बाद तुम बाज़ चीज़ें देखोगे जो तुमको बुरी लगेंगी और अब्दुल्ला अब्दुल्लिबन जैद इबन आमिर बयान करते हैं कि नबी करीम सब ने अंसार से ये फरमाया था कि तुम इन कामों पर सब्र करना यहाँ तक कि तुम हौज कौसर पर आकर मुझसे मिलो वहाँ पहुँच जाओ तो उस वक्त तक तुमने सबर करना है तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसे हालात आएंगे खासतौर तो पर अंसार को जो आपने कहा था कि देखोगे कि लोगों को तरजीह दी जा रही है तुम पर तुम्हारा हक मारा जा रहा है तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही जिसके तुम मुस्तक हो तो लिहाजा क्या करना है सबर करना है लड़ाई झगड़ा नहीं करना फसाद नहीं फैलाना जंग नहीं करनी बगावत नहीं करनी लेकिन बात को मानना है सब्र करना है यहाँ तक कि तुम मेरे पास पहुँच जाओगे तो ज़ाहिर है कि फिर अल्लाह उसका बेहतरीन बदला फरमाएगा और बेहतरीन मामला होगा तो लिहाजा फरमाएँ कि ये तुमने सब्र करना है यहाँ तक कि हौज़ कोसर पर आ जाओ और उसमें हदीस आती है जो कि हमें हज़द अबिन मसूद रजील्ला ते रवायत है कि फ़रमाते हैं कि क़ालना रसोल सनकुम सतराबादी व अमूर तिरून कलुम अमरूना या रसोल्लाम हक़ वसल्लाम के हज़द फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल ने हमसे फ़रमाया कि तुम मेरे बाद का हम ऐसे देखोगे जो तुम्हें बुरे लगेंगे तो साहबा ने अर्ज किया कि यह रसोल्ला आप इस सिलसिले में क्या हुक्म फरमाते हैं क्या कहते हैं क्या करें हम फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें उनका हक अदा करो और अपना हक़ अल्लाह से मांगो तो ये है देखिए कि कितनी ज़बरदस्त बात आपने हमें बता दी है एक बात तो ये मालूम हुई कि ऐसा वक्त आएगा कि इंसान को हक़ उसका नहीं मिलेगा दूसरों को मिल जाएगा जैसे कि फरमाया कि ऐसे काम देखोगे ये तुम्हें तो बुरे लगेंगे देख रहे हैं सामने नज़र आ रहा है एक नाअहल शख्स जिसको कोई तजर्बा नहीं कोई जानता नहीं कोई एल्म नहीं कोई शरीयत नहीं किसी कस्म को कुछ नहीं मालूम और वो फिर हुक्मरान बन जाता है तो तुम्हें जाहिर है कि बुरा लगेगा तो अब क्या करोगे फसाद करोगे एहतजाज करोगे लड़ाई करोगे जंग करोगे कताल करोगे क्या करोगे तो फ़रमाया कि नहीं तुमने क्या करना है उन्हें उनका हक अदा कर दो कि तुमने उनकी इतात करनी है और इतात ज़ाहिर है कि यहाँ आरूफ में होगी मुनकर में नहीं होगी मरूफ जो बात है सही बात है उसमें उनकी इतात की जाएगी जो गलत बात है उसमें इतात नहीं होगी इसलिए कि जो अल्लाह और उसके असूल के अकाम के ख़िलाफ़ हम कबूल नहीं करेंगे तो लिहाजा फरमाया गया कि उ, उ, उन्हें उनका हक़ अदा कर दो जो उनका हक है और वो इतात का हक है कि उस हुकुमरान की बात मान ली जाए देख लीजिए कि साहब क्राम के दौर में भी जब हजा जबन यूसफुलसक़फ़ी जैसा ालिम शख्स भी आया तो साहब कराम थे वहाँ पर ताबेन इक्राम थे अल्लाह के नेक बंदे मौजूद थे तो इस म सितम के सामने भी उन्होंने सब्र किया बर्दाश्त किया और अल्लाह ने उनको फिर अच्छे लोग भी दिए क्यों के बाद उमर अब्दुल अजीज़ रही जैसी शख्सियत भी आई और फरमाया कि अपना हक जो है जो पामाल हुआ है वो अल्लाह से मांगो फिर अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हें तुम्हारा हक़ देगा वो ज़रूर तुम्हें इस मामले देगा लिहाजा अपना हक मांगना है तो अल्लाह से मांगो इनसे मत मांगो इन लोगों से मत कहो कि हमें हक़ दें और हमें ये दें इसकी ज़रूरत नहीं है तो ज़ाहिर है कि कहीं फितना ना पैदा हो ये है असल मकसद यहाँ जो कहने का है कि वो ये है कि अगर तुम भी खड़े हो गए और वो भी खड़े हो गए तो लड़ाई झगड़ा होगा फसाद होगा कतल वारत होगी और इंतशार फैलेगा फितना फैलेगा ये हक है ये बातिल है ये सही है यह गलत है दो हर शख्स जो है अपनी अपनी वो राग आलापेगा और असल चीज़ जो है वही रह जाएगी तो इसी लिए फिर तुम्हें चाहिए कि खामोशी से रहो सब्र करो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हें उसका जरूर देगा उसमें किसी कस्म की कोई भी तुम्हारी अगर ज्यादती हो भी रही है तो वो इन अल्लाह के यहाँ उसका बेहतरीन बदला मिलेगा जो अल्लाह ताला का वादा है अगली हदीस में आते हैं जो क्या सबने अब्बास रजी अल्लाह तुम की रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया है कि मन किसिबिन अब्बा रजील्ला तौर नुमा से रवायत है कि थी थी थी। नबी करीम सल्लास ने फरमाया है कि जो शख्स अपने अमीर में कोई नापसंद बात देखे तो सब्र करे अपने खलीफा की इताद से अगर कोई बारिश भर भी बाहर निकला तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि अपने अमीर जिसकी तुमने बैत की है जिसको तुम अपना अमीर मानते हो अपना हाकििम मानते हो तो उसमें कई चीज़ गलत भी होंगी ज्यादा इंसान है गलती भी कर सकता है कोई गलत बात होगी तो सब्र करो बर्दाश्त करो और किसी कस्म की बगावत करना या बाहर निकलना या खरूज करना ये जायज़ नहीं है ये सही नहीं है और इसीलिए फरमाया कि जो भी अपने खलीफा की अपने हाकिम की इताज से बाहर निकलता है खरूज करता है बगावत करता है और अगर बालिश भर भी बाहर निकल जाता है तो फरमाए के और उसकी मौत हो जाती है तो वो जाहलीत की मौत होगी ये बात समझने की है कि इस मामले में हमने अपने जो भी हुक्मरान है अब हाकिम जिस तरह भी आए अब हालात उस तरह तो नहीं रहे पहले जैसे हुआ करते थे उस दौर में अब हमारे ऊपर जमहूरीत मुसलत है जमूरीत के मामले से उसके ज़रिए से आते हैं तो अब जाहिर है कि आप उसको बदल नहीं सकते उसको बदलने के लिए आप कोशिश करें ठीक है कर लीजिए लेकिन जो है मौजूद जो हकीकत है उसको तो सामने देखना है ना तो उसमें भी फिर हमारे सामने जो कायदा बता दिया गया है जिसका भी मैंने जिक्र किया कि कितनी ही चीज़ें जो होंगी नापसंद होंगी लेकिन नापसंद होने के साथ एक वो चीज़ होती है जो कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है शरीयत के ख़िलाफ़ है वो तो हम कबूल नहीं करेंगे उसके लिए हमें बता दिया गया है कि वो तुमने कबूल नहीं करनी है लेकिन जो चीज़ जो है वो कुरान के ख़िलाफ़ नहीं है हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है बस नापसंद है, अच्छी नहीं लगती तो ठीक है उसको तुम बर्दाश्त कर लो सब्र कर लो बाकी अल्लाह पे छोड़ दो अल्लाह ताला खुद इन जालिमों को देख लेगा जो अगर वो ज़ुर्म कर रहे हैं तो इसीलिए यही बताए इसलिए कोई फितना ना पैदा हो आप ख़ुद देख लीजिए कि हमारे मुल्क में भी इस कस्म की जो गिरोह पैदा हो गए कि कहीं वो धमाके कर रहे हैं कहीं कत्ल कर रहे हैं कहीं बेचारे मासूम लोगों को मार रहे हैं तरह तरह की जो हादसात होते हैं कितने लोग मारे गए बेचारे कहीं बच्चे हैं बूढ़े हैं औरतें हैं मर्द हैं वो मारे गए कहीं बड़ी बड़ी शख्सियात जो है उनको कत्ल कर दिया गया उनको धमाकों में मार दिया गया उससे क्या फ़ायदा हुआ क्या हालात बदल गए हालात तो और ख़राब हो गए तो यही चीज़ है जो हमें कही जा रही है कि इस फितने में मत पड़ो ये फितना हो जाएगा अगर तुम खड़े हो गए और तुमने ये कहा कि नहीं हम जो बात कह रहे हैं वही हमें मिलनी चाहिए वरना हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे तो यही चीज़ जो है वो इसके ख़िलाफ़ है जो कानून कह रहा है या हदूद हैं उसके अंदर रहते हुए अगर तुम मांग सकते हो तो मांगो ठीक है अपना मुतालबा करो लेकिन कहीं मार धाड़ करना है और कहीं आग जलाना है जलाओ लगाओ मारो पीटो ये इस किस्म की बातें करना ये एक इस्लामी ममलकत में सही नहीं है तो इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इस कस्म की जो बा़ाना मसाइल होते हैं उससे मामले ख़राब होते हैं सही नहीं होते हैं अल्लाह ताला हमें

mother uh -huh.